दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रोहिणी में मुठभेड़ के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कामिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ 12 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हाल ही में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत का मामला भी शामिल है। कामिल के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल की टीम ने कामिल को पहले सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से कामिल घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कामिल को अस्पताल में भर्ती कराया है। अपराधी पर दर्जन भर आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस लंबे अरसे से बदमाश की तलाश कर रही है। हाल ही में जामा मस्जिद इलाके में हुई हत्या में कामिल का नाम सामने आया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ जारी है। दिल्ली से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।